गाना बजाना कि कोई लोगों को परेशानी ना हो, इसकी भी व्यवस्था की है। पूरी सब्जी जलेबी चल रहा है और कल शंखनाद होगा। पछुआ में झाड़ू बांध देते थे, आज जब गांव के दक्षिण में ठहराते थे तो जातिवाद नहीं था। लोग आए 5-6 जिला से और सुबह में यहाँ पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। मंत्री जी, भीम संसद का आयोजन और रात में आप लोग घूम रहे हैं। माननीय मंत्री रत्नेश जी के यहाँ आए हैं। रत्नेश भाई ने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की है, अपने लोगों को, खास करके सीमांचल के लोगों को अपने घर पर बुलाया है। सबके लिए खाने की व्यवस्था की है, ठहरने की व्यवस्था की है, रहने की व्यवस्था की है। गाना बजाना कि कोई लोगों को परेशानी ना हो, इसकी भी व्यवस्था की है कि लोगों को इंटरटेनमेंट भी हो, क्योंकि दलित परिवार के जो लोग हैं वो लोग आए हैं रात भर, कम से कम हमारे घर पर आए हैं, तो उनको मनोरंजन का भी व्यवस्था हो, सबकी व्यवस्था उन्होंने की है। हम आए हैं, इनका आग्रह था कि आप ज़रूर आइए, व्यवस्था देखिए, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। पूरी सब्जी जलेबी चल रहा है और कल शंखनाद होगा। संविधान के खिलाफ जो बयानबाजी करते हैं, आरक्षण के खिलाफ जो लोग टिका टिप्पणी करते हैं, उन सब के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन होगा। और पूरे प्रदेश के जो महादलित के लोग हैं, नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार के मनोबल को कि हमारा नेता, जो हमारा मानस पिता है, जिन्होंने हमारे 18 वर्ष में हम लोगों को प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, हम लोगों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का काम किया, उनके साथ हम सब दलित परिवार के लोग इकट्ठा होकर के शंखनाद करेंगे। आप लोग दलित को एकजुट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कर रही है कि आप लोग जातिगत तौर पर राजनीति शुरू कर रहे हैं। अरे भाई, तो हम लोगों को जब पछुआ में झाड़ू बांध देते थे, आज जब गाँव के दक्षिण में ठहराते थे तो जातिवाद नहीं था। तब जातिवाद नहीं था। आज सबको बोलते हैं कि चमरवा का बेटा, पसिया का बेटा, दुसदवा का बेटा, तब जातिवाद नहीं है। आज हम आज एकजुट हो रहे हैं, आप अपने अधिकार के लिए कर रहे हैं, जातिवाद है ये क्या मत है। क्या कुछ तैयारी है मंत्री जी, क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ तैयारी है? आप देख रहे हैं तो तैयारी में देखने की जरूरत है। कहाँ से लोग आए हैं? अभी तो उत्तर बिहार से मात्र लोग आए हैं, 5-6 जिला से, और सुबह में यहाँ पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। कल मैदान भर जाएगा पूरा? मैदान तो हम कहते हैं जो उत्तरी बिहार से भर जाएगा, तो पूरे पटना जाम हो जाएगा, भर गया है। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।